मोदी भावे साहब आमदार की जाने साहब आम्मी सर्व लोकप्रतिनिधि अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी आता जवळपास शहरामध्ये 80% जे जवळपास लोक मास्क वापरायला लागलेले आहेत। काही ठिकाणी जी अडचण आहे जसं जाधववाडी असेल अशा ठिकाणी सकाळच्या वेळेस भाजी घ्यायला लोक येतात अशा वेळेस त्या लोकांवर मास्क वगैरे नसतं अशा ठिकाणी थोडीशी लोकांवर कारवाई केली आणि आमची विनंती की काही हा कोरोना वाढू नये यासाठी शहराची सर्व दुकानं रात्री 9 वाजता बंद व्हावी अशी या ठिकाणी मागणी केली। लॉकडाऊन विषयी व्हा सर, लॉकडाउन होने ही वाला नहीं है अभी, लेकिन जो अभी जयसवाल साहब ने बताया कि कुछ शॉप रात को लेट कुछ एरिया में कायम शुरू रहते हैं वो रात को स्ट्रिक्ट 9 बजे पूरे शहर के बंद होना चाहिए, ग्रामीण के भी बंद होना चाहिए। इसके बारे में जयसवाल साहब ने कलेक्टर को सूचना की है, उन्होंने वो मान्य की है। बेड बढ़ाने के बारे में और ऑक्सीजन का प्रमाण यहाँ के यहाँ इसका बढ़ाने के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। सर घाटी में जो अभी 2 दिन पहले जो प्रसारण ऑक्सीजन का था उसका भी नहीं, नहीं ऑक्सीजन का कुछ हुआ नहीं था, वो अलार्म बजा था 2 घंटे पहले, अलार्म बजते रहता है, ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है। चुप लोगों को घबराहट और मीडिया कुछ बातें करती है, ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ था, ऑक्सीजन खत्म होने के पहले 2 घंटे पहले अलार्म देता है, वो अलार्म उन्होंने दिया था। मैडम का तो बाइक लेके ऑक्सीजन खत्म हो गया? नहीं 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 ऐसा नहीं है, दिन मैडम की तरफ ऑक्सीजन का देखने वाले चौधरी डॉक्टर है, 2 घंटे पहले वो अलार्म देता है और 2 घंटे चल सकता है अलार्म बजेगा थी, अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है। दर आठवडे प्रमाणे आज जी मीटिंग झाली, या जिल्ह्यातल्या कोरोना पॉझिटिव्हचा आढावा घेण्यात आला आणि त्यांची कुठं सोय आहे कुठं गैरसोय होते त्याच्यासंबंधी पण चर्चा झाली। गॅस सिलेंडर मिळत नाही, ऑक्सिजन मिळत नाही अशा ज्या तक्रारी होत्या तर त्याही गॅस आता ऑक्सिजन उपलब्ध आहे आणि हा ऑक्सिजन आता त्यांच्याकडे पुरेसा आहे असलं प्रकारचं कलेक्टरने सांगितलं। आम्ही सूचना केल्या की कुठल्याही पेशंटला तातडीने त्याला ॲडमिट केलं पाहिजे, तातडीने तिथे उपाय उपचार सुरू झाले पाहिजे आणि गॅस तर किंवा ऑक्सिजन त्याला कमी पडता कामा नये, व्हेंटिलेटरची सुद्धा आता व्यवस्था आहे, लागले तर आणखी व्यवस्था करा असाही सूचना केल्या। मी आणखी एक आग्रह मागच्या मीटिंगला पण धरलं होतं की महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायीमध्ये या पेशंटचा समावेश करावा, आता ते कलेक्टरच्या मार्फत ते प्रयत्न चालू आहेत। आमची सूचना आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये हा रुग्ण वाढत असेल आणि गरीब माणसाला एवढे पैसे त्याच्याकडे नसतील तर त्याला याच्यातून सहकार्य मिळालं पाहिजे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।